किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पर राधा राधा, राधा नाम हो जाए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम पहुंच चुके हैं शहर जलंधर की साईंदास ग्राउंड में। यहाँ पर दिव्य श्री भागवत कथा शुरू हो चुकी है, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और लगातार ये कथा चलेगी। तो चलिए हम भी चलते हैं और सिमरन करते हैं राधा राधा। श्री राधा राधा मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा पर तो करिए रखना हे राधा रानी, कृपा पर साए रखना हे महारानी, कृपा पर साए रखना हे राधा रानी, कृपा पर साए रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। श्री के लौटा कौन है, ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। जैसे गिरिराज जी जहाँ को झुके, सब ब्रजवासी छड़ी लेके भागे और उन ब्रजवासी के पास बढ़िया बिल्कुल हत्ते तगड़े श्री हनुमान जी महाराज भी आ जाएं और हनुमान जी आकर के भी अपनी अपनी भुजा लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें, तो पूछरी के लौटा दौड़ करके आमे तो सब उनको नाम ले में, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। तो ये जब जय जयकार कर रहे थे सब, बीच में खड़े खड़े ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अब पल्लंग को गिरिराज जी गए तो सबने वहां जाके बोले, पूछरी के लौटा की हुप हुप। ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है, तो जब तक गिरिराज जी ऐसे झूलते रहे तब तक सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा लगा करके यही जय जयकार करते रहे, और जब जब ब्रजवासी ये जय जयकार करें ठाकुर जी को जोर की हंसी आवे। लाला को मुस्कुरा तो देख, सब ब्रजवासी बोले लाला, लाला को जी जय जयकार बहुत बढ़िया लग गया, अब जब भी लाला कछु विशेष करेगा सब जय को बोलेंगे। जोर से बोलियो, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी बारे, शाबाश है। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी झूल रहे हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा रहे हैं। अब एक समय आया गिरिराज जी स्थिर हो गए और ठाकुर जी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण करके खड़े। सब ब्रजवासी अपने अपने पसीना पहुंच रहे, छड़ी लेके खड़े। ब्रजवासी ने कही, लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली, अब गिरिराज जी नीचे ना आएंगे। ठाकुर जी बोले, कैसी बात कर रहे हो, मैंने उंगली नीचे कर ली तो पूरे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सब चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले, हम बे लाला तू यो जानना होगा तेरी नेक सीसी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। अरे लाला हम सब ने छड़ी लगा रखी है, ज्यादा इतराव है मत चल, अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले, तुम्हें विश्वास ही ना है, अरे तुम्हारी छड़ी पर ना टिक रहे हैं, मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, लाला देख बात न मत बना, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूँ। बोले हाँ कर ले लाला। जैसे ही ठाकुर जी ने नए कुंगड़ी नीचे करी महाराज, सबन की चट 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 छड़ियां टूटने लगी, सब कहने लगे, लाला समाल समाल समाल, सबकी छड़ियां टूट गई। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं। सब ब्रजवासी अपनी छड़ियों को देखे, बोले ये कैसे टूट गई। लाला जिस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। कैसे लाला, ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो अपनी उंगली पे।
ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ब्रजवासी बोले लाला ने दोबारा बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अच्छा ओ भैया सबरे यो ने लाला यो के रोए जय जय ऐसा कौन सा काम क्यों लाला जय तेने जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी अगासुर मारो बकासुर मारो धनुकासुर मारो इतने सारे राक्षस मारे आज गिरिराज जी उठा लियो अरे ये कोई काम सामान्य बालक कर सके? साक्षात देख वो लक्ष्मीनारायण भगवान की सेवा करे बात मैंने हजार बार कही उनकी मत कर मेरी कल्ले मैं ही लक्ष्मी नारायण हूँ ना मानो मेरी बात को। जा गोपी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई अपने घर पर याते मैंने कही तू मेरी पूजा कर यानी मेरी बात कभी ना मानी आज सिद्ध कर दियो ना मैंने मैं ही भगवान हूँ मैं ही जय जय हूँ मैं ही परमात्मा मैं ही त्रिलोकीनाथ हूँ। मधुमंगल सीताराम बोले मोदो आवे ना बनो जय जय खोचा में जल लिए हम डोलते रहते लाला मोह तो धोले नहावे धोवे है ना बने जय जय। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ना है रो? बोले लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए पर ये विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे उठा लिए मैंने? बोले तेने कोई टोटका कियो है तेने कोई टोना कियो है और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका कियो। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। क्यों? ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। मैं इतने बड़ी बड़ी क्रिया करता हूं इन क्रियाओं को देख करके कोई भी व्यक्ति मान जाएगा कि मैं भगवान हूं। आज मैंने इतना विशाल गिरिराज पर्वत उठा लिया तब भी इन ब्रजवासियों को ये नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं। इसीलिए ब्रजवासी अति प्रिय है ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रभुता को कभी विशेष माना ही नहीं ब्रजवासियों ने। हम लोग कैसे हैं पता है? हम आपका स्वभाव कैसा है हम व्यक्ति की प्रभुता देख करके ही उससे संबंध बनाते हैं उसकी विशेष गुण पर ही रीच करके उसको अपना मानते हैं पर ब्रजवासी नहीं। सब ब्रजवासी कह रहे लाला जल्दी कर जल्दी बता तेने कैसे उठाए गिरिराज जी। मधुमंगल श्रीदामा बोले हम भी अभी बैठेंगे टोना टोटका हम करेंगे हम उठाएंगे एक गिरिराज जल्दी बता लाला तेने कैसे उठाए। ठाकुर जी बोले क्या बताऊं मैं सहज भाव में ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अरे भैया ब्रजवासियों जे सब भैया तुम सत्य कह रहे हो मैं कोई जय जय ना हूं तुम सवन की कृपा से ही मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले लाला कैसे उठाए उन्हें बता देने। बोले तुम सवन के घर से चुरा चुरा के मैंने मक्खन खायो चलो और बोले कछु गोपन करी सहाय आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे हमने छड़ी लगाई लेकिन छड़ी टूट गई हमारी। बोले ना ना जे बात ना है तो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी धारण किए माखन के बलते तो आप सब लोगों की दृष्टि मेरी उंगली पे गई और इतने सारे लाखों वैष्णव ब्रजवासी ने जैसे मेरी उंगली को देखो तो सवन के नेत्रों से दिव्य शक्ति निकल करके मेरी उंगली में आ गई और आप सवन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब बताओ मैं और आप उस समय ठाकुर जी के पास होते और ठाकुर जी हमसे यूं कहते कि तुम्हारे देखने की वजह से मेरी उंगली में शक्ति आ गई हम मानते कभी इस बात को नहीं। क्यों? क्योंकि हम चतुर बहुत हैं हमारे अंदर चतुराई बहुत है हम लोगों को बात बात है ये कोई बात है हम देखने से कोई शक्ति आ जाती है पर ब्रजवासी इस बात को मान गए क्योंकि ब्रजवासी सब भोले बहुत हैं
ब्रजवासी के अच्छा लाला हमारे देखवे सो तेरी उंगली में शक्ति आ गई। बोले और नहीं तो तुम सबन की शक्ति यहां में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी आपस में गए तभी तो हम कहें आजकल हम इतने कमजोर कैसे है गए, आजकल चलते चलते सांस फूल जाए हमारी, अब पता चली हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने। ओहो लाला हमारी शक्ति चली गई लाला ने। महाराज इतना सुनते ही ब्रजवासी ने अपने अपने घर की 56 भोग की डलिया खोली और लिए महाराज मोहन थार उड़ामे बालूशाही खामे और मेवा बाती खामे। कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके बोला अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, यहाँ लाला गिरिराज धारण करके खड़ो और तुम्हें जेमने की पड़ रही है। ए बाबा तू ना जाने कही ना लाला ने, अभी हम खामे हमारे भीतर शक्ति बने और फिर हम लाला को देख लें तो हमारी शक्ति लाला में चली जाए। ये 56 भोग सब हम पामेंगे और फिर लाला को निहारेंगे तो हम सबन की शक्ति लाला में जाएगी, वही से तो गिरिराज जी उठावे वो लाला। ठाकुर जी खूब हंस रहे हैं, जय हो ब्रजवासी की जय हो, इन सबन की बातन की बलिहारी, कितने भोरे हमारे ब्रजवासी। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला जब भी कोई दिव्य क्रिया करेगो तो बरसाने के गोप वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी तभी ये कर पाएगो, नहीं तो नहीं कर पाएगो। आज ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, यशोदा मैया सब गोप ग्वालन में ढूंढ रही है राधा रानी कहाँ है, अरे भैया किशोरी जी कहाँ है, अरे वृषभानु की लाली कहाँ है। 3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया पर किशोरी जी नहीं मिली, तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए, अरे वो वृषभानु की लाली मिली ना रही है। तभी यशोदा मैया ने देखी बोले लाला तो बड़ा आनंद में खड़ो है, या कोई तो नेक भी थकान ना है रे, कहीं ऐसा तो ना है छुप करके कहीं बैठी हो वृषभानु गोप की लाली और वहीं से लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया ने पीछे गुफाओं में खोजना शुरू किया तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है, उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। मैं तो कथा में कह दूं भैया ठाकुर जी तो केवल दिखावे के मारे यूं खड़े है गए, वास्तव में गिरिराज धारण तो हमारी श्री जी ने की हो, गिरिराज धारण तो हमारी किशोरी जी ने की हो, और ठाकुर जी को तो फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपनी केवल भ्रगुटी मात्र पर गिरिराज जी धारण कर रहे हैं, ऐसे हमारी किशोरी जी। बोलो वृषभानु दुलारी की, असली गिरवरधारी कौन है? श्री जी किशोरी जी हमारी लाडली जी हैं, उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी धारण। ओ ब्रज में हरे कृष्ण भानु भरे हरे कृष्ण भानु भरे हरे कृष्ण भानु भरे
वृंदावन में रस की प्रधानता ज्यादा है, वहां कई बार नियमों का पालन प्रधान नहीं होता है, और रस की भूमि का मतलब प्रेम की भूमि, और प्रेम जहां होता है वहां नियम टूटते ही हैं, नियम कई बार विपरीत होते ही हैं। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत में वेदों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, शास्त्रों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर ही व्यक्ति का नियम, साधक का नियम बनाया जाता है। पर वृंदावन प्रेमियों की भूमि है, वहां साधक नहीं होते, वहां साधु नहीं होते, वहां संत नहीं होते, वहां प्रेमी होते हैं, और प्रेमियों में कई जगह नियम नहीं होता। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है वृंदावन की कई नीतियों की बात आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये भी होता है। अब बिहारी जी में आप सब लोग जाते हैं जन्माष्टमी के दिन, उस दिन ठाकुर जी का सुंदर उत्सव होता है, मंगला आरती जन्माष्टमी के दिन होती है बिहारी जी की। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिएगा, हरिदास संप्रदाय में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, वहां जन्माष्टमी के दिन आचार्य उत्सव मनाया जाता है। स्थान के हरिदास परंपरा के कोई आचार्य उसी दिन प्रकट हुए, उनका उत्सव प्रधान माना जाता है, वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। आपको वृंदावन में बिहारी जी में कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। अब आप हरिदास परंपरा में जाएंगे तो हरिदास परंपरा में स्पष्ट कहते हैं, सब लोग इधर देखो बहुत ध्यान से सुनो, हमारे नित्य किशोर अजन्मा। हरिदास परंपरा का नियम क्या है कि हमारे ठाकुर जी अजन्मा है, उनका कभी जन्म ही नहीं होता। आप बोलो तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी ये सब क्या है? बोले जो लोग ठाकुर जी को जानते नहीं उनको जनाने के लिए वही हमारे नित्य किशोर जन्म लेकर के उनके लिए आए, हमारे लिए तो अजन्मा ही है। अब इस रस विधि को आप नहीं समझ पाओ, अलग ही हरिदास परंपरा में राधाष्टमी नहीं मनाई जाती, राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हुए थे उनका उत्सव मनाया जाता। ग्रहण होता है, पूरे विश्व में ग्रहण काल में कोई भोजन नहीं करता, ग्रहण में भोजन बनाना नहीं चाहिए, ग्रहण में भोजन करना नहीं चाहिए, ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, सारे नियम बताए जाते हैं शास्त्रों में। तो तटीय स्थान में और हमारी हरिदास परंपरा में आप चले जाओ तो वहां ग्रहण के काल में तो भंडारा होता है। एक बार की बात है कि कोई साधक बाहर से जा रहे थे और ग्रहण का समय वृंदावन की प्रतिमा लगा रहे थे, सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो एक क्षण के लिए सूर्य अंतर ध्यान होते हैं, तो सूर्य ग्रहण का समय था, कोई साधक प्रतिमा लगा रहे थे वृंदावन की, और जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ तभी उन्होंने देखा कि बड़ी जय जयकार बोल रही है भैया कहां से, तभी स्थान में भीतर जाके देखा तो वहां पर पूड़ियां चल रही है, सब बढ़िया खीर उड़ा रहे हैं, राम 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 ग्रहण पड़ रहा है और आप लोग भोजन कर रहे हो यहाँ पे। तटीय स्थान के साधक बोले भैया तुम यार इसको नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए चंद्र ग्रहण है, तुम्हारे लिए सूर्य ग्रहण है, हमारे लिए तो ये चंद्र और सूर्य भी श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के रूप है, जब ग्रहण पड़े तो हम तो ये माने कि आज भैया श्याम सुंदर और किशोरी जी को मिलन है, वही के लिए हम लोग को यहाँ पे बना उसके पद भी है। चंद्र ग्रहण पे वे लोग ऐसा माने कि चंद्रमा कौन है, बोले साक्षात हमारी किशोरी जी है, ग्रहण पड़ते चंद्रमा अदृश्य हुआ, बोले अदृश्य नहीं हुआ, ग्रहण नहीं हुआ, श्याम सुंदर सामने आ गए, सामने आके आलिंगन कर लिया किशोरी जी। अब इस रस बीती को आप कैसे समझ पाओगे? हमारे वृंदावन की रस परंपरा, रस चर्चा, उसको बहुत गोपनीय रखा गया, हमारी गलती है, हम लोगों ने व्यास परंपरा ने अभी व्यास मंचों से बहुत कहना शुरू कर दिया। हम ये विचार नहीं करते कि भाई जितने लोग दिख रहे हैं सब योग्य हैं, पर इनमें कोई अयोग्य भी तो बैठा होगा, इसलिए
मंचों से चर्चा होनी चाहिए, पर इतनी अंतरंग चर्चा ठाकुर जी की नहीं सुनानी चाहिए। अब वही हो रहा है, पूरे वृंदावन में विवाद चल रहा है, लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये कैसे कर दिया आप, ये कैसे हो जाता है। अरे भाई, कईयों की परंपरा है, उस परंपरा को आप नहीं समझ पाओगे। अब हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं रखते कई परंपरा के लोग, एकादशी का नियम ही नहीं है, वहां पर रखना ही नहीं है एकादशी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, एकादशी नहीं करो तो कितना घनघोर पाप लगता है। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, इधर देखो सब लोग, ध्यान देखो, दो दिन और देख लो, मैं फिर नहीं देखी हूँ। एकादशी नहीं रखी जाती वृंदावन में कई परंपरा में, वहां एकादशी ना रखने का कारण क्या है? अब हमारे लिए एकादशी का नियम क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी छोड़ दो, तुम्हें तो फिर पाप लग जाएगा। ये उन परंपरा वालों को ये अधिकार है कि वो नहीं करें तो उनके लिए ठीक है, पर हमको तो रखनी चाहिए, हम तो वैष्णव है, हमको करना ही है। पर जिस परंपरा में एकादशी का विधान नहीं है वहां क्यों नहीं है? सुनिए, उनकी यहां ऐसी भावना है कि एकादशी में अन्न में पाप का निवास होता है, अन्न में पाप का निवास होता है एकादशी के दिन, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारी वृंदावन की रस परंपरा में ऐसा मानते हैं कि भाई कल ठाकुर जी को रात्रि में भोग लगा, भोग लगने से पहले अन्न था, पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो गया। अब वही भोग आज हम उसको देख करके पीछे कर रहे हैं, बोले क्यों आज तो एकादशी, आज तो हम अन्न पाएंगे नहीं, तो भोग का तो तिरस्कार हो जाएगा। उनकी भावना ऐसी है, रस परंपरा की भावना ऐसी है, कल जो भोग था आज एकादशी होने पर वो पाप कैसे हो सकता है, वो आज भी भोग ही है, इसलिए हम आज भी पाएंगे। इसलिए वहां की परंपरा में एकादशी नहीं, जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है, केवल जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है, वहां एकादशी क्यों नहीं है? बोले भैया एकादशी उस अन्न को लगती है जो मानव बनाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो रसोई घर की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, और लक्ष्मी यदि किसी अन्न को छूले उसमें पाप कैसे आ जाएगा, आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाने में कोई दोष नहीं, बल्कि जगन्नाथपुरी में तो अद्भुत के चावल ही खवाए जाते हैं एकादशी के दिन, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी बनाती है। वहां ऐसी भावना नहीं है कि वहां रसोई में कोई पुरुष भोजन बना रहा है या कोई पुरुष भोग सिद्ध कर रहा है, वहां की भावना ऐसी है कि जितने भी लोग रसोई घर में लगे जगन्नाथ जी के, सब लक्ष्मी जी का अवतार है, सब लक्ष्मी जी के रूप है। इसलिए लक्ष्मी यदि अपने हाथ से कुछ बना रही है उसमें पाप कैसे रह सकता है? कोई पाप किया है क्यों? पूरे वृंदावन में तो तब जानो जब गारी पड़े, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो जब कोई तुम्हें कोहनी मार दे, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेके भागे, दारी के दो चार गारी देवे तब समझो। हाँ भैया, जिस वृंदावन में ठाकुर जी में गारी पड़ी, वह वृंदावन में हमें गारी ना पड़ी तो फिर हमने कहा किया? जा वृंदावन में ठाकुर जी उखल से बांध दिए, वह वृंदावन में हम सम्मान की इच्छा रख रहे हैं? जा वृंदावन में छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे दौड़ रही है, वह वृंदावन में हम चाह रहे हैं कि हमको सब लोग महाराज जी के बुलावे? सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीच अपमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में सम्मान नहीं, वृंदावन में तो यूं सोचो कोई ब्रजवासी ने हमको गारी दे दे, इसका मतलब ये नहीं कोई हाथ जोड़ कर नहीं गारी दे दो हमको, नहीं, कछु ऐसो कर जाओ कि तुम में गारी पड़े। कई ब्रजवासियों को, कई वैष्णवों को जो बाहर से आते हैं वो वृंदावन में अद्भुत के ऐसे काम करेंगे जासो उनमें नेकाद थोड़ी जो है गारी पड़े, ऐसे भी लोग हैं कई।
वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नी चप्पुमानम सुधा श्री राधा मुरली वरवो ब्रज सखे वृंदावन मत्तज। इसलिए भैया अब देखो, हरिराम व्यास जी की एक चर्चा सुनाऊं। हरिराम व्यास जी संतों के भक्तमाल जी में लिखा है कि हरिराम व्यास जी इतने संत वैष्णव स्वरूप के उपासक थे कि कोई झूठे को तिलक लगा के आ जाता हरिराम व्यास जी उसको भी प्रणाम करते थे। एक बार हरिराम व्यास जी के संत भेष की परीक्षा लेने के लिए, भाई इनकी संतों में बड़ी निष्ठा है, परीक्षा लेने के लिए एक संत उनके यहां पर प्रसाद पाने आए। तो हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करते थे। हरिराम व्यास जुगल किशोर जी अभी कहां विराजते हैं? पन्ना में, मध्य प्रदेश में, पहले वृंदावन की ठाकुर हैं। तो जुगल किशोर जी की सेवा करके राजभोग थाली में सजा करके भिजवा रहे थे मंदिर में। इतने में एक संत आ गए और संत ने आगे कहा, व्यास जी हमको बहुत जोर की भूख लगी है, जो प्रसाद ही पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले, महाराज जी थोड़ी देर विराजो, अभी राजभोग की थाल गयो है भीतर, पहले जुगल किशोर जी भोग लगा लें, फिर प्रेम से आप पहियो। तो संत ने क्रोध कर दिया, बोले अच्छा हम एक तो सुबह से भूखे प्यासे, ऊपर से तुम हमको और प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो। अरे अभी 40-45 मिनट जुगल किशोर जी भोग लगाएंगे, तब तक हम भूखे बैठे रहेंगे क्या? हरिराम व्यास जी बोले, नहीं नहीं नहीं, नहीं भगवान आप बैठो, सुनो जुगल किशोर जी का थाल बाद में जाएगा, पहले इनको पवाओ। ठाकुर जी का थाल सामने से उठवा लिया, भोग ही नहीं लगने दिया ठाकुर जी का, और भोग थाल मंगवा करके संत के आगे रखे। बोले पहले आप जिम लीजिए, ठाकुर जी बाद में पालेंगे, हमें पता है ये वृंदावन है, ठाकुर जी को बुरो नहीं लगेगा, ठाकुर जी चाहे पहले वैष्णव पामे, आप पाओ। तो संत तो परीक्षा लेने आए थे कि मैं संत भेष, इनकी संतों में कितनी निष्ठा उसकी परीक्षा लूं। तो संत ने पहले में तो पास हो गए, बताओ ठाकुर जी का भोग उठवा दिया संत के लिए, जबकि ये पाप है, आप ठाकुर जी का भोग कैसे उठवा सकते हो? पर हरिराम व्यास जी के मन में ये आई कि पाप लगेगा तो नरक चलो जाऊंगा, लेकिन संत भूखो नहीं रहना चाहिए, ठाकुर जी ने कहा देर भूखे रह लेंगे, थाल धरवा दियो। अब संत ने जीवना प्रारंभ किया, जैसे ही जीवना प्रारंभ किया महाराज, तो कुछ स्वाद में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, कुछ कहीं मिर्च ज्यादा हो गई होगी, कुछ हुआ होगा। अब संत तो इतने उतावले हो गए, अरे बहुत जोर की मिर्च लग गई, जल लाओ जल लाओ, जल लाने में विलंब कर दिया। तो संत ने क्रोध में भर के पूरी थाल उठा करके हरिराम व्यास जी के सिर पर ही मार दी। हरिराम व्यास जी खीर पकौड़ी कढ़ी पूड़ी आदि सब में सन गए, और पूरे ऊपर से नीचे तक जब सन गए तो नेत्रों से अश्रुपात करते करते और संत चरण में गिर करके बोले, धन्य भाग धन्य भाग, मैंने तो सुनी थी भैया कि संत बड़े कृपालु, पर आज तो देख लियो, मैंने कोई नहीं आकर के गई, उनने आपके मुंह पे थाल मार दी और आप कह रहे हो कृपा संत की। हरिराम व्यास जी बोले, भैया या ब्रज की परंपरा है कि यहाँ संत जब प्रसाद पाले तो उनकी पत्तल में जो झूठन बच जाए, वाकू पाने से करोड़ करोड़ कल्पन तक करवे वारे यज्ञ को फल प्राप्त होवे, लेकिन धन्य है ऐसे संत, इनने सीध प्रसाद ही छोड़ी नहीं मेरे लिए, सीधे मेरे मुंह पे ही मार दे। बोले तू ही पाले याकू, भाव की बात। अब हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते, संत की FIR होकर आते, बनते हैं संत, अपने मन मुंह पे थाल मार रहे हैं हमारी पे। लेकिन हरिराम व्यास जी का भाव क्या है, बोले शीत प्रसादी छोड़ी नहीं मेरे मुंह में पधरा दी इन्होंने, धन्य है ऐसे संतन को। संत के तो महाराज वो तो परीक्षा लेने आए थे, तुरंत उन्होंने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, बोले भैया जुगल किशोर जी के दर्शन कराओ। आज जुगल किशोर जी इतने प्रसन्न, जैसे ही कपाट खोले जुगल किशोर जी की दो दतुइयां दिख रही थी, इतने प्रसन्न थे आज जुगल किशोर जी हरिराम व्यास जी के भाव पर। वृंदावन के भाव उल्टे हैं, वृंदावन के भाव सब जगह से विलग हैं, इसलिए वहां की परंपराओं पर वहां के भावों पर प्रश्न मत उठाया कीजिए। वहां जैसी जो परंपरा है, वहां जैसी जो विधा है, उसको अब देखो
एक और बात बताऊं, कई बात नहीं बताऊंगी आपको, मैं सब बताऊंगा भी नहीं, नहीं तो प्रश्न घूमेंगे फिर। राधा वल्लभ जी में 40 दिन होरी चलेगी, खूब रंग उड़ेगो, खूब रंग उड़ेगो, लेकिन धुलेटी वाले दिन जिस दिन पूरे वृंदावन में होली हो रही होगी उस दिन वहां पर रंग नहीं उड़ता। ठाकुर जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्हाइट वस्त्र में खड़े होंगे, एक रंग की बौछार नहीं उड़ा सकते आप, मन निषेध है। क्यों? बोले उस दिन कोई आचार्य का तिरुभाव उत्सव है, उस भाव से वहां पर होली उत्सव नहीं होता। हमारे वृंदावन में आचार्यों के उत्सव प्रधान हैं और आचार्यों ने जिस भाव से जैसी नियम बना दी वो नियम प्रधान है। वहां पर कई बार शास्त्र और वेदों की बातों को इतना प्रधान नहीं माना जाता, इसलिए वहां की परंपरा में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। वृंदावन में जिस परंपरा में जो भाव है उसको वैसे स्वीकार, अपनी परंपरा का पालन करो। हमारी परंपरा में एकादशी है, हमारी परंपरा में भोग में तुलसी पधरानी की परंपरा है, हमारी परंपरा में आरती में घंटे घड़ियाल बजाने हैं, हमारी परंपरा में ठाकुर जी को धूप दिखानी। अब कई मंदिरों में धूप आरती नहीं होती, क्यों? ठाकुर जी को खांसी आ जाएगी धूप कर दे तो एकादशी। अब कंठी माला पहनना सब परंपराओं में अनिवार्य है, पर कई परंपरा में ऐसी भावना है कि कंठी माला स्नान करते समय मत पहनो। क्यों? बोले आप स्नान करते हैं तो तुलसी जी का जल पैरों में जाता। अब उनकी भावना देखो तो वो भी सही है, पर कई परंपराओं में कैसी भावना है, बोले कंठी माला गले में हो और तब आप स्नान करो तो कंठी से स्पर्श करते ही जल जो है वो गंगा से भी पवित्र हो जाता है, वो यमुना जी से भी पवित्र होता है, और उस जल का जब तन पर स्पर्श जाता है तो हम अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। उस परंपरा में वो बात सही है, आप असमंजस में मत पड़ो। भाई किसी के घर में भिंडी नहीं बनती तो जबरदस्ती तुम क्यों बनवा रहे हो? सबकी अपनी अपनी परंपराएं, करने दो। अपनी परंपरा का पालन करो, अपनी गुरु आज्ञा का पालन करो, और तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो फिर जल्दी ढूंढो कोई गुरु। अच्छे गुरु जीवन में होने चाहिए, एक पथ प्रदर्शक होने चाहिए, एक ठौर पकड़ के रखो, एक परंपरा में रहो। तो तीन निष्ठा वैष्णव के जीवन में होनी चाहिए, पहली नाम जप, दूसरी एकादशी और तीसरी तुलसी। अब एकादशी निष्ठा देखो, श्री नामदेव जी महाराज ऐसी एकादशी रखते थे। नामदेव जी का नियम कैसा था पता है? वो खुद तो एकादशी रखते थे और उनके आगे दिखने वाला कोई भी उनको दिख जाता जिस जो एकादशी नहीं रखता, जबरदस्ती उसके मुंह पे खड़े हो जाते, बोले तेरी भी करवाऊंगा आज, जब तक द्वादशी नहीं लग जाए कुछ खाने नहीं दूंगा। ऐसे थे नामदेव जी महाराज। तो एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दीनहीन से ब्राह्मण बन के चले गए और द्वार पर जाकर के भगवान धड़ाम से गिरे, एक ब्राह्मण बन के गए। नामदेव जी दौड़ कर गए, ओहो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता, भगवान क्या हो गया? जल्दी उनको बैठाया, चरण मलने लगे तो ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, मैं बहुत भूखा हूँ नामदेव जी, मुझे बहुत दिन से भूख लगी है, कुछ पाया नहीं है, बहुत लंबा चल के आया हूँ, मुझे जल्दी कुछ पवा दो। नामदेव जी बोले, आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन तो कुछ नहीं पाते। भगवान बोले, अब एकादशी एकादशी तुम लोग करो भैया, मेरे को काय करवाओ, मुझको जल्दी कुछ पवा दो। नामदेव जी क्षमा करें, आप चाहो तो दूध पी लीजिए, आप चाहो तो केला खा लो, आप चाहो तो सेब खा लो, फल खा लो, पर अन्न नहीं। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अन्न की भूख है। अरे भैया रोटी खवाओ, सब्जी खवाओ, चावल खवाओ। बोले, माफ करना भगवान, आज तो एकादशी, आज नहीं पवा सकता। ठाकुर जी बोलने लगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, अगर मुझे अन्न नहीं खवाया तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी बोले, बहुत अच्छा, प्राण निकल जाए तो एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ ही जाओगे, लेकिन अन्न नहीं मिलेगा आपको खाने को। पड़ोसी इकट्ठे हो गए वहां पे,
पड़ोसी इकट्ठे होकर के सब कहने लगे, अरे नामदेव तुम एकादशी करो, अपने परिवार से करवाओ, बेचारे ब्राह्मण को क्यों मार रहे हो। रामदेव जी बोले, क्षमा करना, आज मैं इनको करने नहीं दूंगा, आज तो इनको एकादशी होके रहेगी इनकी। कोई पड़ोसी आया, ब्राह्मण का हाथ पकड़े, आप मेरे घर चलो, मैं आपको रोटी पवाऊंगा। नामदेव जी चरणों में गिर गए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, अब मुझे पता चल गया है कि ये अन्न खाएंगे तो मेरी एकादशी भी टूटेगी, मैं इनको भी नहीं खाने दूंगा। भगवान इस स्थिति तक में पहुंच गए, बोले कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं बस अंतिम श्वास आ ही रही है, मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, नामदेव मुझे कुछ खिला दो। बोले भैया सब बैठ के भजन करो, आप सीधे बैकुंठ जाना, हाँ आज एकादशी है, पानी को मना नहीं कर रहे, दूध पी लीजिए, केला खा लीजिए, सेब खा, फल खा लो, पर अन्न नहीं। भगवान बोले, अभी तक तो नामदेव पास हो रहा है, लेकिन अब प्राण निकाल के देख ही लेते हैं। और उस दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में भगवान ने अपने प्राण निकाल दिए, अचेत होकर गिर गए पृथ्वी पर। जैसे ही अचेत होकर के गिरे, सबने जल डाला, नाड़ी देखी, धड़कन देखी, तो अचेत है। सब लोग कहने, अरे नामदेव ऐसी एकादशी क्या काम की, एक ब्राह्मण मर गया तेरे द्वार पे आके। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, अपने घर के आंगन में ही चिता बना दी और उस पर ब्राह्मण देवता का शरीर पधरा दिया। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, अरे ये तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अंत तो गत्वा नामदेव जी बोले, भैया मेरी वजह से एक ब्राह्मण ने एकादशी के दिन प्राण त्यागे, इसलिए मैं भी इनके साथ जीवित समाधि लूंगा। और नामदेव जी भी चिता पर बैठ गए। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी महाराज, तुरंत ब्राह्मण के रूप में श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के बोले, मैं तो परीक्षा ले रहा था तुम्हारी एकादशी निष्ठा की। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक होता है कट्टरपंथी होना और एक होता है निष्ठावान होना, दोनों में अच्छा क्या है बताओ? निष्ठावान। निष्ठा होना उसको कट्टरपंथी नहीं कहते। जैसे कई लोग अपने नियम के प्रति बड़े कट्टर होते हैं और वो अपनी कट्टरता में नामदेव जी जैसे बन जाते हैं। नामदेव जी कट्टर थे एकादशी के प्रति, पर उनकी कट्टरता कैसी थी? दूध पी लीजिए, चरणों में गिर गिर के कह रहे हैं आप फल पा लीजिए, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कह रहे हैं, कोई जबरदस्ती क्रोध में नहीं भर गए कि भाई ये नियम तोड़ दिया तुमको पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा, ये नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, ऐसा हो जाएगा, ये कट्टर लोग बोलते हैं। निष्ठावान व्यक्ति तो चरण में गिर करके कैसे भी नियम का पालन करवाएगा। निष्ठावान बनी है अपनी परंपरा के लिए, अपने हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लिए, अपने जिस गुरु परंपरा में हो उसके लिए निष्ठावान रहो, कट्टरवान नहीं कि जबरदस्ती किसी को पकड़ करके आप उसके लिए वो करवाओ और उसको गुमराह करके, उसको अनर्गल बातें बता करके, उसके पंथ से उसको दूषित कर दो। ये कट्टरपंथी होना तो महापाप है। आजकल कई जगह हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, उनके स्वयं के धर्म का रूप तो बहुत गंदा दिखा देते हैं और फिर दूसरा बहुत अच्छा दिखाते हैं, इस तरफ आ जाओ ये बहुत अच्छा है। बोले वाले लोग धन के लोभ में, आदि आदि लोभ में अपने उसको तोड़ छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया करने वाले लोगों के लिए नरक में बैठे हैं यमराज जी। निष्ठावान रहो, कट्टरपंथी नहीं। निष्ठावान व्यक्ति चरण में पड़ा रहेगा, अपने निष्ठा का पालन करेगा, किसी अन्य से करवाने का प्रयास अगर उसकी इच्छा होगी तो करवाएगा, नहीं तो नहीं। निष्ठावान बने अपने धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, अपने भावों के प्रति, कट्टर नहीं। तो तीन निष्ठा जीवन में लाइए, नाम जप, तुलसी और एकादशी। तीन निष्ठाओं का पालन करो। और अब यहां से आगे भागवत में रास पंचाध्याय शुरू होता है। सब लोग बिल्कुल मेरुदंड सीधा करके बैठो अपना,
और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखो कैसे सब सो गए थे, मानो ऐसा लगा फसल सो गई थी खड़ी हो गई फिर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम रास की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। रास पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लोग। भगवान ने रास विहार किया महाराज, इतनी सारी गोपियों के संग किया, हम दो चारों के संग ही करके देख लें। व्यक्ति कितना 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 नीच हो जाता है कई बार, मतलब भगवान की लीलाओं से तुलना करके अपने सुख को भोगना चाहता है। महादेव भी तो पी लेते थे, हम भी भांग पी लिया करें तो क्या हो जाएगा। कहां लिखा बाब महादेव ने भांग पी? हाँ ये जरूर लिखा है कि महादेव ने विष पिया था। रास बिहार कहते किसको हैं? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। रास बिहार की कथा सुने हम लोग। मैं हर कथा में इस बात का प्रतिपादन करता हूं, दो बातें हैं रस और रास। कौन कौन सी? रस और रास। हम आप लोगों की जो श्रेणी है, हम आप लोगों की जो कैटेगरी है अभी की, वो है रस की कैटेगरी। काय की कैटेगरी? रस। हम रस में हैं। और हमारा गंतव्य क्या है, हमको पहुंचना किस कैटेगरी में? रास की कैटेगरी में। रस और रास इन दोनों में अंतर क्या है? हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी से मिलने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी को देखने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी को सुनने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी के अनुभव का। इन सबको कहा जाता है, जहां हम प्रयास कर रहे हैं वो है रस, और जहां हमारे रस से आनंदित होकर के, हमारी भक्ति से आनंदित होकर के ठाकुर जी प्रयास करते हैं हमसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। हम में से किसी के संग अभी तक रास नहीं हुआ, अभी तक रस हुआ है। पर रास होता है कभी कभी, पता है कैसे होता है? जैसे वृंदावन जाओ और वृंदावन बिहारी जी, यहाँ जलंधर से निकलते ही मन में विचार कर लो, कल मैं जब वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जाऊंगा तो बिहारी जी लाल पोशाक में हो, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी हो, सिर पर सुंदर पंच मोर पिच्छ का सुंदर मुकुट धारण किया हो, कानों में मकराकृत कुंडल हो, और मैं मंदिर के इस कोने से देखूंगा, वो सारा विजुलाइजेशन पहले ही सोच लो, और तभी मैं आगे जाऊं, पुजारी जी ऊपर से माला जैसी डालें महाराज, वो अपने आप मेरे गले में आ जाए, श्री बिहारी जी लाल लाल पोशाक में कल मेरे भाव से मुझको दर्शन कराएं, ये आप पहले ही विचार करके चले जाओ, और फिर प्रतीक्षा करो, मंदिर में एक एक कदम जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो जैसा आपने विचार किया वैसा अगर आपको दिख गया, तो जाते ही आपने देखा कि श्री बिहारी जी लाल पोशाक में विराज रहे हैं, गले में बढ़िया वैजंती माला पहनी है, पंच मोर पिच्छ का मुकुट धारण किया है, आप एक कोने में खड़े हैं, वही कोना है जिससे आपने विचार किया था, वहीं से बिहारी जी दिख रहे हैं, तभी पुजारी जी ने आकर के सुंदर माला पधराई और वो माला आकर के गले में पड़ गई। अगर इतना सब कुछ हो गया ना तो समझ जाना आपके संग रास हुआ है। और लेकिन एक बात मेरी सुनो, कम से कम 10 बातें सोच के जाना, 10ों की 10 पूरी हो गई तो फिर एक ही चीज होगी, क्या मई प्राण चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आ पाओगे। 10 बात सोच के जाना, एक ही पूरी हो बस, क्योंकि अगर 10ों पूरी हो गई, जैसा आपने विचार किया वैसा ही हो गया, तो ये समझ लो पूर्ण रास हो गया। और पूर्ण रास का मतलब ये हो गया महारास, महारास का मतलब है कि फिर आप वापस संसार में आ ही नहीं पाओगे, फिर तो आप बिहारी जी में विलीन हो जाओगे। रस और रास, जहां आप प्रयास करते हो ठाकुर जी से मिलने का वो रस है, और जब ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपसे मिलने का वो रास है। अभी हम रस की स्थिति में हैं, हमें रास की स्थिति में पहुंचना है, हमें रास के भाव में जाना है।
श्री कृष्ण दास भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा। कृष्णदास जी का ऐसा स्वभाव स्वरूप था कि इनको कोई भी चीज अच्छी लगती थी तो मन में भाव आता था कि ये मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। एक बार आपको कहीं जलेबी बनती भाई बढ़िया लग गई और जलेबी बनती भाई देख के आपने मन में विचार कियो कि ये तो ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए। आपने आकर के ये विचार किया ही था कि जलेबी का भोग लगाएंगे, कल पूरी सामग्री सिद्ध करेंगे, ठाकुर जी को जलेबी का भोग पधराना है। आप जैसे श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए तो कपाट थे, कपाट जैसे ही खुले, अभी जलेबी बनाई नहीं, अगले दिन बनानी है, पर एक दिन पहले ही बस मन में सोचा था कल जलेबी का भोग लगाएंगे, और आज जैसे दर्शन करने गए कपाट जैसे ही खुले तो श्रीनाथ जी सामने खड़े, आरती हो रही है और उनकी उठी हुई भुजा के ऊपर ही जलेबी धरी है, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। ये रास है। एक बार की बड़ी सुंदर लीला, कृष्णदास जी को मंदिर अधिकारी जी ने कहा कि सुनो भाई, अभी ऋतु फल जैसे एक 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 सेवा का नियम होता है, ऋतु बदलते उस ऋतु का जो नया फल आता है मार्केट में ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। जैसे आम का सीजन आता है, सीताफल का सीजन आता है, कई ऋतु फल होते हैं उनके ऋतुओं में, जैसे तरबूज का खरबूज का सीजन आता है, बहुत ध्यान से सुनना, तरबूज फल का समय आया तो अधिकारी जी ने कहा भैया गर्मी को समय तरबूज आ गए होंगे मंडी में, जाओ जाकर के सबसे पहले तरबूज जो मंडी में आवेगो वो ठाकुर जी की सेवा के लिए लाओ, कहीं दुनिया के लोग खरीद ले जाएं फिर बचो कुचो ठाकुर जी की सेवा में आवेगो तो भैया ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे नहीं, भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगना चाहिए। तो कृष्णदास जी सुबह ही सुबह दौड़ करके मंडी पहुंच गए, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे ही पहुंचे तो महाराज यहाँ राजा ने भी अपने सैनिक भेजे, बोले ऋतु फल तरबूज लेके आओ, राजा को भोग लगेगा, राजा पाएगा। जैसे ही मंडी में ढकेल पे सुंदर फल सजाए तो फल की दुकान खुलते ही यहाँ पे उसी समय तो कृष्णदास जी का आना हुआ, उसी समय राजा के सिपाही आए और दोनों ने जाके एक संग कही, हाँ भैया तरबूज का भाव से दिए हैं। दुकानदार ने कही भैया पहले एक ले लो, कृष्णदास जी बोले पहले हम लेंगे, हम मंदिर से आए हैं ठाकुर जी के भोग के लिए चाहिए। सिपाही बोले हम भी राजा के सिपाही हैं, पहले सिपाही के हम राजा के यहाँ जाएगा फल। कृष्णदास जी बोले नहीं नहीं पहले ठाकुर जी को, सिपाही बोले नहीं पहले राजा को जाएगा। सामने खड़े दुकानदार बोले भैया लड़ो मत, एक काम करें, बोले कहा बोले जो मुकु ज्यादा धन दे दोगे वो ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तुम बताओ कितने का है, बोले एक रुपया का है। सिपाही बोले हम एक रुपया पचास पैसा देंगे हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम दो रुपया देंगे हमको दो। सिपाही बोले हम पांच रुपया देंगे हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम दस रुपया, अच्छा जेब में रख के लाए थे केवल पांच ही रुपया, लेकिन बोले दस रुपया का दे दो। सिपाही बोले हम भी राजा के यहाँ से आए, पंद्रह रुपये में दो। कृष्णदास जी बोले तुम कछु मत सोचो, बीस रुपया कर दो हमको दो, पहले ठाकुर जी को जाएगो। करते करते महाराज मोल पहुंच गया सौ रुपया, उस समय में सौ रुपया बहुत होता था और एक तरबूजे का भाव लग रहा है ये। जैसे ही सौ रुपया पहुंचा कृष्णदास जी बोले सौ रुपया, तो सिपाही बोले सौ रुपया का तरबूज ले गए तो राजा तरबूज से पहले हमको काट देगा। तो सिपाही सब बोले आप ही ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तो फिर अब हमारो ही है गयो, तो भैया फिर उतने में ही दे दे जितने में पहले धरो। दुकानदार बोलो नहीं 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 अब तो सौ रुपये में ही लेना पड़ेगा। तो कृष्णदास जी बोले सुनो जे पांच रुपया तो रखो, बच्चे कुछ हम बाद में दे देंगे, हमारे लिख लेना। दुकानदार बोला ठीक है। सौ रुपये का तरबूज लेकर के आए महाराज, उस समय में लाखों हो गए, वो ला करके सुंदर रसोई घर में पधरा दिया और मंदिर के अधिकारी जी को लिख करके दे दिया भैया इतने का तरबूज लाए हैं,
अधिकारी जी ने डांटा भी, बोले इतना महंगा क्यों लाए, बोले सिपाहियों से हमारी भिड़न हो गई, हमने भी सोच ली, बोले राजा थोड़ी पावे को ऋतु फल सबसे पहले हमारे श्रीनाथ जी पाएंगे, 100 रुपया को आए। बोले 100 रुपया में तो साल भर की सब्जी आ जाती है, आप एक फल लेके आए 100 रुपये का। बोले ठाकुर जी के लिए लिया है, नहीं तो हम नहीं लाते। तो चलो ठीक है, फल का भोग ठाकुर जी को लगता है उत्थापन में, मतलब शाम को फल का भोग सदैव ठाकुर जी को लगेगा, ऐसे कोई 3-4 बजे जब मंदिर खुलता है तब, 3-4 बजे का समय। अब मंदिर पुजारी जी जैसे ही गए रसोई घर में जाकर के देखा तो वहां तो फल था ही नहीं, फल चोरी हो गया। कृष्णदास जी से जाके कहा एक तो 100 रुपया का फल लाए, ऊपर से उसको कोई उठा और ले गया। कृष्णदास जी तो बहुत रोए, मंदिर का हमने इतना घाटा करा दिया, इतना महंगा फल ले गया, उसको भी कोई चोरी कर ले गया। कृष्णदास जी के मन में मोल की चिंता ज्यादा नहीं थी, उनको एक ही चिंता थी कि ऋतु फल ठाकुर जी को भोग में नहीं आ पाया। मंदिर में सब इकट्ठे हुए, ठाकुर जी के कपाट खुलने का समय था। कृष्णदास जी को अधिकार था कि वे पहले भीतर जाकर के कीर्तन गाना प्रारंभ कर देते थे, बाकी लोगों के लिए दर्शन बाद में खुलता था। बहुत ध्यान से सुनना, कृष्णदास जी तो बड़े उदास मन में सोचने लगे, बोले जय जय को आज भोग नहीं लग पायो है, कहा करूं। सबने कही कृष्णदास जी आप भीतर जाओ कीर्तन करनो प्रारंभ करो। कृष्णदास जी ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पर्दा के भीतर जाकर के देखा तो क्या पाया, एक तरफ किशोरी जी खड़ी हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी खड़े, और दोनों वही तरबूज ही एक दूसरे पर गेंद गेंद करके खेल रहे हैं भीतर। ठाकुर जी वह फलकू लेकर के एक दूसरे के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, और कृष्णदास जी ने जैसे ही जाकर के देखो सोई दोनों एक है करके श्रीनाथ जी के रूप में खड़े है गए। कृष्णदास जी बोले चोरी तो पकड़ी गई, जय जय मैंने देख लियो आप कहा कर रहे, जय हो बले बले जाऊं, जय जय मैं तो सोच रहा हूं मैं पधराऊं फलकू, लेकिन ठाकुर जी ने तो मेरे मन को भाव पहले ही स्वीकार कर लियो, पहले ही वासु क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इस लीला को आप क्या कहेंगे, ये रस है कि रास है, ये रास है। जहां ठाकुर जी अनुग्रह करें भक्त के भाव पर वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है, रास का मतलब हरि कृपा होती है। ब्रज की गोपियों के साथ नाचे नहीं है ठाकुर जी, तो हर गोपी को इतना समय दिया है, हर गोपी को इतनी प्रधानता दी है जितनी प्रधानता किशोरी जी को देते हैं ठाकुर जी, और इतनी प्रधानता किसी गोपी को मिले तो वो गोपी नाचेगी नहीं। अरे हम सामान्य से ब्रजवासी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तोतली वाणी में कथा करते हैं, हम किसी के घर चले जाएं तो घर के सारे लोग नाचते हैं, तब मन में भाव आता है कि हम सामान्य से बालक किसी के घर जाते हैं लोग नाचने लगते हैं, ठाकुर जी किसी के घर जाएंगे तो वो नाचेगा नहीं, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। ब्रज की लाखों गोपियों को ठाकुर जी इतना प्रेम संबंध प्रदान कर रहे हैं, तो प्रेम की चरम स्थिति जब होती है तब नृत्य ही होता है, पर नृत्य का मतलब रास नहीं होता, रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त से मिलन, वो रास। समझ में आई बात, तो ऐसा रास हुआ। भगवान ने सब गोपियों को पहले ही कह दिया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त थीं, तभी ठाकुर जी ने वन में जाकर के अपनी मधुर वेणु को अधर पर धारण करके सुंदर रव को करना प्रारंभ किया। बाज उठी सुंदर वंशी वृंदावन में। अब सामान्य लोगों को तो लग रहा है कि श्री कन्हैया वंशी बजा रहे हैं, पर बहुत सुंदर भाव है। छोटो सो कन्हैया या के बड़े 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 ने यमुना जी के पार जाके थाड़ो मार से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके थाड़ो मार से। अच्छा एक बात बताओ, सेन कायसो
मतलब कह रहे है? हमारे ठाकुर जी बंसी कैसे बजामे? बोले जब बंसी बजामे ना तो एक भ्रगुटी उठे एक नीचे रे, फिर दूसरी उठे तो एक नीचे रे, ऐसे ठाकुर जी दोनों सेनन को चलामे, वही को हमारे ब्रजवासी कह रहे हैं। छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जग थारो मर सैन, छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जग थारो मर सैन, ओ छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जग थारो।
हमारे साथ पुजारी जुड़ चुके हैं, करते हैं उनसे बातचीत। राधे राधे। राधे राधे जी, सब वर्षवालियों को नमस्कार। राधे राधे। शोभा यात्रा ब्रश के हिसाब से जनता पब्लिक गुरुजी दर्शन सुबह 11 बजे मॉडल हाउस देते हैं। आप कृपा करके जितनी जनता हो सके यहाँ, कल आखिरी दिन, कृपा करके यहाँ आइएगा। शहर जलंधर के साइंस ग्राउंड में दिव्य श्रीमद भागवत कथा शुरू हो चुकी है, जहाँ पर लगातार एक हफ्ता ये कथा रहेगी और सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहते हैं आपके मन में प्यार हो, विश्वास हो, भाव हो, तो आप अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई आप वृंदावन में पहुँच चुके हैं। आज साइंस ग्राउंड में लगातार वृंदावन का नजारा देखने को मिल रहा है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सेंट्स ऑफ द टाइम्स से कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ।